वो कभी फीका पड़ने वाला नहीं। फिर दुनिया के साधनों को प्राप्त कर लो और एक दिन आकर अपने आप को रिक्त पाते हैं, खाली पर पाते हैं। खाली पर ये रिक्तता दूर करने का केवल एक मार्ग है, अध्यात्म। और अध्यात्म के पद पर ले जाती है भगवान की कथाएं, भगवान के आचरण। एक ही बात आज रोज रोज कई बातें कहूंगी। आज की बात है कि जो सुन रहे हैं, जो ज्ञान हमें मिल गया, क्या हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आचरण में क्या? जरा सी कोई बात कहते तुरंत त्यूरियां चढ़ जाती हैं और तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू। क्यों नहीं अनुभूत होते? भगवान इसकी चर्चा कर रही हूं। अनुभव क्यों नहीं होता बर्बाद होने? क्योंकि हम आचरण में भगवान के अंशों को लाते ही नहीं। भगवान के सच्चित और आनंद को तब अनुभव कर पाओगे जब उसे आचरण में लाओगे। और उस आचरण को लाने के लिए हमें कथाएं श्रीमद् भागवत उस आचरण पर ले जाती हैं। तो छोटे छोटे संकल्प करें, वैसे तो संकल्प विकल्प से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, बाल पक गए, बहुत हो गया झूठ झगड़ा लोभ मोह, अब बहुत हो गया, बहुत साड़ी सूट पहन लिए, बहुत गहने पहन लिए और बहुत भोजन का स्वाद ले लिया, बस अब परमेश्वर रूपी लड्डू का स्वाद ले लो, बहुत समय हो गया। तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चिदानंद का आश्रय लेना होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वो उत्पत्यादि हेतव, विश्व उत्पत्यादि हेतव, जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पोषण करते हैं और विश्व का संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। अरे आपको बताऊं क्या परेशानी है? कोई संकोच नहीं, भगवान के दरबार में हो अथवा संसार में संकोच मत करो। श्री कृष्णाय वयम् नमः, जो तीनों ही प्रकार के तापों का नाश करते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, इन सभी पापों को नष्ट करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। चारों तरफ दुख है क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। हम सत्य को जानते हैं, सब कुछ विनिष्ट होगा, लेकिन मानते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। और मानते इसलिए नहीं है कि हमारा मन परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। जितना प्रयत्न संसार के सुखों के लिए कर रहे हो, उससे बहुत कम दुख अगर ईश्वर के लिए सहन कर लोगे, परमात्मा से जुड़ जाओगे। गोपियों ने कभी भी भगवान को घर नहीं बुलाया, हमेशा कहते थे जाओ चोरी करते हो, हटो मेरे घर से जाओ, लेकिन बिना बुलाए भगवान बार बार गोपियों के घर में जाते। क्यों? क्योंकि गोपियों का मन भगवान से जुड़ा हुआ था। और हमारा क्या है? हमारा केवल व्यवहार भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन मन नहीं जुड़ा हुआ। मेरी बात का मतलब समझ रहे हो? गोपियों और हमने क्या अंतर है? व्यवहार में वो कुछ और दिखाती थी, लेकिन उनका सारा दिन सारा आचरण केवल भगवान के लिए था। श्री परमात्मा कृष्ण की वंदना जब भी करो, प्रणाम जब भी करो, बहुत ध्यान से सुन लो। कभी कभी हम मंदिरों से निकलते हैं, व्यवहारिक बात बता रही हूं, फट से प्रणाम किया और फट से निकल गए, मंदिर में गए प्रणाम किया, जल्दी जल्दी प्रशाद
हड्डियां निकल गए। लेकिन बाबा कहती है कि वंदना करो, प्रणाम करो, लेकिन भाव पूर्वक। और कैसा भाव? उत्तम मन, मन जिसमें लगा हुआ। और मंदिर में खड़े होकर अथवा घर में बैठकर, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, केवल ये विचार करो कि जितना मुझे परमात्मा ने दिया है क्या मैं उसके योग्य था? जो मुझे मिला है क्या मैं उसके योग्य था? तब समझ में आएगा ना, जितना परमात्मा ने मुझे दे दिया ना उसके में किंचित भी योग्य नहीं था, मैं तो पापी हूं। ये विचार करो और जितना ठाकुर जी ने दे रखा है उसमें प्रसन्न रहो। हम हमेशा उपलब्ध करते हैं, हम हमेशा उन वस्तुओं की कल्पना करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जितनी आसपास हमारी वस्तुएं हैं, कभी ध्यान से देखा है? मकान बनाने की सोचते थे, मकान बन गया, एक दिन प्रसन्न हुए, दूसरे दिन छोड़ दिया। हर वक्त वो चीजें देखो जो हमें प्राप्त हुई है। मकान, गाड़ी, गाड़ी की कल्पना किया करते थे, आज गाड़ी मिली। बार बार उन चीजों को देखो जो भगवान ने हमें प्रदान की है और प्रसन्न हो जाओ। उन चीजों को मत सोचो जो नहीं मिली है, जो मिली है उनको सोचो। हर वक्त भगवान का भजन करो। बजले राम बजले श्याम, ओ बजले राम Thank you.
संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और भाष्य, वेदों की जो समाप्ति है वो उपनिषदों से होती है, अर्थात उसे वेदांत कहते हैं। जो हम संसार में फंसे हुए जीव हैं वो इस उपनिषदों के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में। तो हम त्याग कर सकते हैं, हाँ ना? सबसे बड़ा जब हम काम और क्रोध का त्याग नहीं कर सकते, चाय का त्याग नहीं कर सकते, पान का त्याग नहीं कर सकते, सुपारी का त्याग नहीं कर सकते, तो अपने विकारों का त्याग कैसे करेंगे? ये सत्य रहा। तो कलयुग के जाल में फंसे हुए जीव उपनिषदों के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए की गई। श्रीमद् भागवत में एक भक्ति का एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया कि हम अपना घर बार काम धंधा बच्चे छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। और ये भागवत कहते हैं कि हे जी, भगवान को पाने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। जब जब हम निवृत्ति के विचार, निवृत्ति मतलब त्याग के विचार अपने मन में लाते हैं और ये सोचते हैं सब कुछ छोड़ देंगे, और जैसे ही निवृत्ति के लिए बैठते हैं वैसे ही प्रवृत्ति के संसार के विचार दिमाग में घूमने लगते हैं। गोपियों ने अपना काम नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा, अपना परिवार नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। भागवत हमें ऐसा ही मार्ग दिखाता है कि जो आनंद योगियों को समाधि में प्राप्त होता है वही आनंद, वही तप, वही सिद्धि, वही पुण्य हम घर में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है वो भक्तिमय होना चाहिए। हमारे विचारों में भक्ति नहीं, जवान में भक्ति नहीं, हमारे आचरण में भक्ति होनी चाहिए। हमारा जीवन का, हमारा प्रत्येक दिन का, प्रत्येक व्यवहार भगवान के लिए होना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए। जब एक दिन ये कह सको कि आज वो दिन है जब आज मुझे ये लगता है कि संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं, मुझे किसी से कोई कष्ट नहीं, तो समझ लेना भक्ति के पायदान पे पहला कदम रख दिए। बड़ी सुंदर सी बात नारद जी ने की, नारद मुक्ति सूत्र है ना, भगवान नारद जो भक्ति के आचार्य हैं उन्होंने बड़ी सुंदर विवेचना की है। उन्होंने सबसे जो नारद भक्ति सूत्र लिखा ना, अगर उस एक सूत्र को समझ जाओ, मेरा मन तो यह था कि तीन चार सूत्र मैं रोज आपको बताऊं, टाइम नहीं। अधातु भक्ति व्याख्यास्यामः, अब इसलिए मैं, बड़ा गूढ़ शब्द है लेकिन समझ जाओगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, इसलिए अब मैं भक्ति मय सेवा का वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। ये पहला सूत्र है, अब इसलिए, ये अब और इसलिए क्या है? अब इसलिए मैं भक्ति की
अब और इसलिए है ये वो शब्द जहां पर आकर व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाता है। जब वो आत्मज्ञानी नारद की एक स्थिति आई तब उन्होंने कहा आज मैं भक्ति सूत्र का प्रारंभ करता हूं और उसका पहला सूत्र है अब इसलिए मैं भक्ति मय सेवा का वर्णन करने की चेष्टा करूं कि भक्ति मय सेवा क्या होती है। अब मैं बताने योग्य हुआ हूं और वो योग्यता है आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी क्या होता है? आत्मज्ञानी व्यक्ति की वो स्थिति है जब वो ज्ञान में स्थिर हो जाता है। भौतिक संसार के सुख सागर से वो निवृत्त हो जाता है, उसे वो लुभा नहीं सकते। वो भगवान के सत्य को जब जान जाता है, इस संसार के सत्य को जान जाता है और परमात्मा से प्रेम करने की स्थिति में आता है तब भक्ति में सेवा की शुरुआत होती है। शुरुआत जिस जो परम स्थिति है भक्ति की, उस स्थिति पे जाकर भक्ति में सेवा की शुरुआत होती है और तब भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और हम देखो किसी भी सत्संग में बैठ जाओ, जितने भी मनुष्य हैं सब भक्ति में सेवा का वर्णन कर देंगे, लेकिन स्थिति आत्मज्ञान वाली नहीं है। जब आत्मज्ञानी हो जाता तब भक्ति में सेवा की प्रारंभिक अवस्था आती है। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक यम प्रवजन्तम् मनुपेतम्
करते हैं। जैसे इस मंदिर की पवित्र भूमि पर बैठकर हम श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रकार शास्त्रों में विद्या को अर्जित करने के लिए, सत्संग को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा ही पवित्र तीर्थ है जिसका नाम है नैमी शरण। आइए हम मन से भक्ति भाव से होती है, ध्यान रखना भाव से। आगे आगे वर्णन करूंगी कि भाव से किस प्रकार परमात्मा को अनुभूत किया जा सकता है, भगवान की किस प्रकार वंदना की जा सकती है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं होते, होते भाव चाहिए। आइए हम सब लोग नैमी शरण के उस पवित्र क्षेत्र में चले। बड़ी पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि किस किस चीज के लिए चाहिए होती है? भगवान की जहां स्थापना करते हैं पवित्र भूमि पर, तीर्थ क्या होते हैं पवित्र भूमि जहां भगवान निवास करते हैं। लेकिन एक तीर्थ यहां भी होना चाहिए। ये मन वो पवित्र भूमि है जहां ईश्वर वास करता है। जिस दिन ये शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, इस मन में ये तीर्थ बन जाएगा और इस तीर्थ में हमारे भगवान वास करेंगे। हम पवित्रता संसार में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं और यहाँ आप पवित्रता लेकर जाते हैं तीर्थ में, काम नहीं आएगा। ये पवित्र मन तीर्थ कैसे बने? तो बड़ा अशुद्ध है। इस मन को तीर्थ बनाने के लिए चाहिए कृष्ण कथा, राम कथा। इन कथाओं से, भगवान की इन मंगलमयी कथाओं से हमारा मन पवित्र तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ भगवान वास करते हैं। बोलिए जय जय श्री राम। नैमी शरण का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ 88,000 संत जन जिन्हें शौनकादिक ऋषि कहते हैं, जो सभी के सभी गृहस्थ हैं। आज के कलयुग में बड़ी परिभाषा लोगों को समझ नहीं आती संन्यास की। पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए सब गृहस्थ थे, सारे आश्रमों को पार कर संन्यास धर्म का आचरण करते थे। सभी के सभी वो शौनकादिक ऋषि गृहस्थ हैं और उन सबकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। इतनी लंबी उम्र कि उन ऋषियों के जीवन में अनेकों बार इंद्र बदल चुके। कितने ही ऐसे ऋषि जिनके आंखों के सामने न जाने कितने चतुर्युगी बीत गए, कितनी लंबी लंबी उम्र। और वो सभी ऋषिजन 1,000 वर्षों के लिए भगवान की पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए। ये व्यास जी ने उम्र के बारे में क्यों बताया? ऐसे ही कहते थे कि सब ऋषि एकत्र हुए। भागवत का एक एक शब्द बड़ा गुण है। इतनी लंबी उम्र जिसमें हजारों इंद्र बदल चुके और उसके पश्चात भी परिणाम क्या है? भगवान के नाम का सत्संग। 1,000 वर्षों के लिए भगवान की पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए और उसी सभा में सूत जी जो मात्र 20 वर्ष की आयु के हैं वो वहां पर पधारते हैं और उन सूत जी के दर्शन कर उस सभा में बैठे हुए सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि और स्वयं महर्षि विद्याजी भी खड़े हुए। सूत जी संकोच में पड़ जाते हैं कि मेरी इतनी छोटी आयु में मात्र 20 वर्ष का और ये इतनी लंबी लंबी आयु के संत मेरा सत्कार क्यों कर रहे हैं? तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं, नर वृद्धा वल वृद्धा
जो ज्ञान में बड़ा होता है। हे सूत जी, आप देखने में तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें अमृत स्वरूप कोई सार गर्भित कथा सुनाएं, जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। रसायन कैसा होता है? औषधि होती है, लेकिन रसायन इसलिए कहते हैं कि वो रोगों को भी दूर करती है और पीने में भी बड़ी मीठी होती है। तो कोई ऐसी कथा सुनाए जो ज्ञान के साथ साथ हमारे कानों को भी प्रिय लगे, और वो कथा जो हमें कृष्ण की भक्ति करवा सके कि हे सूत जी, ये वैष्णव लोग, ये भक्त लोग माया मोह से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं। इन संसार के जो लोग हैं उनके कष्टों की निवृत्ति कैसे हो, ये बताएं। कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये बताएं। हे सूत जी, इस घोर कलियुग में प्राय सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अनेक अनेक कलेशों से आक्रांत हैं। इन कलियुगी जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये सूत जी हमें बताएं। शुद्ध देवी शक्ति संपन्न कहते ना गुरु जी आशीर्वाद दे दो, शुद्ध देवी शक्ति संपन्न कौन होता है? जो पूर्ण भक्त होता है, ईश्वर के अंश उसमें व्याप्त होते हैं। अगर भागवत को सुनकर उस पर आचरण करें तो ये वो उपाय है जो हम जैसे कलयुगी जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाता है, जो कृष्ण की भक्ति को प्रदान करता है। सूत जी इन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रीति शोनक चित्ते ते आओ सावधानत्या श्रुणु। सूत जी क्या कह रहे हैं?
सावधान होकर सुनो, सावधान होकर यानी कि कान यहीं लगे रहे और मन और विचार भी यही रहे। सावधान होकर सुनो, मन को कहीं और मत भेजना, सावधान होकर सुनना। पर कहते हैं सावधान एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं सावधान। वो कहते हैं कि हे शौनक देख ऋषियों, हम लोग जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सुन रहे हो ना, इसको समझना भी। लेकिन जीवन के जो पूर्ण रहस्य हैं, उनको हम समझने का कभी भी प्रयास नहीं करते। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे अंदर ब्रह्म को जानने की इच्छा पैदा नहीं होती। हाँ, ये तो जानना चाहते हैं कि भगवान क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन भगवान को जानने की, भगवान से प्रेम करने की इच्छा पैदा नहीं होती। जो इस जीवन का जो पूर्ण रहस्य है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मली सुबह उठते हैं, नाश्ता खाया, खाना खाया, अब शाम को क्या बनेगा, बाजार जाना है, पार्टी में जाना है और रात को सो जाना है, फिर सुबह ये काम करने हैं बस। लेकिन कभी विचार नहीं करते क्या यही सब इसीलिए आए हैं? जीवन का जो मूल रहस्य है उसको जानने का कभी भी प्रयास नहीं करते। और ये जो अमूल्य जीवन है ना, ये यूं ही नष्ट कर देते हैं। इसकी जो अमूल्यता है जीवन की, वो तब समझ में आती है भगवान की कृपा से, शब्द जोड़ देती हूँ, भगवान की कृपा से, कि जब मृत्यु का अंतिम क्षण हो, यमराज खड़े हो और तब इस जीवन की अमूल्यता का एहसास होता है। आज ये सोचकर देखो कि आज ही हमें यहाँ से जाना, इस संसार का आज क्या करना है, आज शायद ये रात्रि मेरी अंतिम रात्रि हो, सोचकर देखो तब कुछ लोगों को लगता है अरे बहुत सारी चीजें तो भोगी नहीं मैंने संसार की, अरे हम तो बहुत सारे आनंद करते थे, चलो मान लो यही सही है ना। तब ध्यान आएगा जीवन की अमूल्यता का, कि भगवान के नाम का जो मनन करना था, मंथन करना था, जो भगवान के प्रेम की अनुभूति करनी थी, उसकी बजाय झंझटों में, पंचायतों में, प्रपंचों में लगे रहे, धर्म में भी आडंबर करते रह गए, धर्म में भी सिर्फ आडंबर करते रह गए, कपड़े पहन लिए, माला कर ली, लेकिन सचमुच भगवान के प्रेम को जानना था चूक हो गई। अरे अब क्या होगा, क्या जन्म मिलेगा मनुष्य का दोबारा, या फिर कोई 84 लाख ही हो गया? अरे सोचकर देखो 84 लाख, एक एक जन्म अगर एक एक वर्ष का हुआ तो 84 लाख, इतना अमूल्य जीवन मनुष्य होने का हमें प्राप्त और यूं ही नष्ट हो गया। न संसार के रहे, न परमात्मा के रहे, न संसार के रहे, क्योंकि संसार भी निंदनीय नहीं है। ज्यादा करते हैं ना, ये तो बुरा है समाज, ये तो कलयुग है, यहाँ तो सब ऐसा ही है, सब बेकार है, सब देख लिया, सब कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे करते करते मन खराब हो जाता है, मन निंदा से भरा रहता है, निंदा करना, क्योंकि संसार से बाहर परमात्मा नहीं है, ये संसार ही परमात्मा, ये मैं कहती निंदा करते मन में निंदा भर जाती है और अरुचि पैदा हो जाती है। संसार से अरुचि हो गई तो समझ लो सब कुछ अरुचि पूर्ण हो गया। संसार में बहुत अच्छा देखने की कोशिश, सब कुछ अच्छा, जो कुछ अपने पास है सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब कुछ जीने योग्य है, हर रिश्ता भक्ति कर्म 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 का रहस्य है, रिश्ते कर्म योग है। अगर अपने परिवार के रिश्ते भी नहीं निभा पाए, भगवान के रिश्ते को क्या निभा? एक रिश्ता निष्ठा से निभा कर देखो, श्रद्धा से निभा कर देखो, वो ही परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ता। भक्त किसी बच्चे में परमात्मा को देखते हैं, वृक्ष में परमात्मा को देखते हैं, पत्तों में देखते हैं, तुम्हें देखते हैं।
हम परमात्मा के अंश हैं। अंश तब बनते हैं जब हम उस अंश को सब में देखने लग जाए, तब ऐसे नहीं सब में वो दिखेगा। और सूत्र जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव जन्म के चक्र में फंसा हुआ है, काल व्याल ध्यान दो। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है जिसने अपना विशाल मुंह खोल रखा है और हम सब उस अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं, और हम लोग उस अजगर के मुंह में बैठे हुए कब तक सुरक्षित है? जब तक उस अजगर का मुख खुला हुआ है। लेकिन जिस दिन उस अजगर ने अपना मुंह बंद किया, हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। और जल चढ़ाने गए थे शिवजी को।
समय जो इस चीज का भेद करते हो कि हम केवल मंदिर में जाकर भक्ति करेंगे, वो जगह है वहां बैठकर भक्ति करेंगे, बाकी सब चीजें बाकी जगह ठीक नहीं है, बाकी समय ठीक नहीं है, जो इस तरह का भेद करता हो समझ लो वो भक्ति कभी नहीं करता। भक्ति किसी समय से नहीं, भक्ति हमेशा 24 घंटे। भक्ति क्या होती है? जो 24 घंटे रहे वो भक्ति है। अपना भागवत क्या है? भागवत आपको बताती है आप क्या हो। जो प्रवचन है भागवत का जो उद्देश्य है वो मनोमंथन क्या है, समझो कि हम क्या कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति 24 घंटे हर जगह हर स्थान हर काल हर समय में करी जाती है। गोपियां निरंतर भगवान का स्मरण करती है 24 घंटे। गोपियां प्रत्येक वस्तु में, वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पत्ते में, धरती के कण कण में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। चारों तरफ केवल भगवान कृष्ण। मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया।
गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति बहुत दिव्य है। उन्होंने घर में रहते हुए प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति की। तो जिसका मन कृष्णमय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसे ही अलौकिक दिव्य भक्ति मार्ग का व्यास जी ने इस भागवत में वर्णन किया है। और इसी भागवत में 7 दिनों के अंदर मेरा वचन कि चाहे एक क्षण के लिए हो, परमात्मा की अनुभूति को आपको कराकर ही रहूं। इसी भागवत में भक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। कहां
वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो कथा अमृत ही लेते हैं वो सीधे डायरेक्ट इंकार्नेशन वैकुंठ से होता है, स्वर्ग तो छोटा रह जाता है। तो देवताओं को कथा अमृत का दान सुखदेव जी ने नहीं दिया। कथा सुनने के पश्चात जब परीक्षित जी वैकुंठ धाम वासी बन गए, तब देवताओं को और ब्रह्मा जी को सभी को ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये क्या हुआ, 7 दिन में कथा सुनी और वैकुंठ प्राप्त हो गया। सब ब्रह्मा जी के पास गए ऋषि मुनि देवता। तब ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति रूप में तराजू मारकर सभी साधनों को तोला, जितने भी भगवान की प्राप्ति के साधन है सभी साधनों को तोला। एक तरफ सभी साधन और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का पल्ला सबसे भारी रहा। तब इसके महत्व के कारण ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत को तत्काल ऋषियों से गणना की, मंत्रणा की, और तत्काल ऋषियों और ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत को कलयुग में पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाला निश्चय कर दिया, निर्णय ले दिया कि जो उसे पढ़ेगा और सुनेगा उसका तत्काल मोक्ष हो जाएगा। और इस भागवत कथा को सुनने से जीवन धन्य हो जाता। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इस कथा का अध्ययन किया कि शक्ता श्रवण विधि क्या है, इसका पता उन्होंने सरत कुमारों से लगाया। सरत कुमारों ने बताया कि इस भागवत की शक्ता श्रवण विधि क्या है। श्री सुखदेव जी के सूत जी कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति से भागते हुए बेचैन दुखी चले जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे। बद्रिकाश्रम से गुजरे तब वहां विराजमान ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत कुमारों ने उनको देखा और पूछा कि आप इतने चिंता में क्यों, आपकी उदासी का क्या कारण है? अरे आप हरि के दास हैं और स्वयं हरि का दास और इतना उदास, क्योंकि हरि का दास न रहते तभी उदास, और आपके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं और स्वयं आप इतने दुखी क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा, प्रणाम किया और आंखों से अश्रु निकलने लगे। उन सनत कुमार के चरणों में गिरकर बोले, अहम और ये मंदबुद्धि है, आलसी है और भाग्यहीन
कलयुग के जीव। और इस प्रकार है सनत कुमारों, मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ वृंदावन यमुना के किनारे पहुंचा। वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहां एक युवती को अनेक सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए देखा और मैंने उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुषों को, दो बूढ़े पुरुषों को अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में देखा। मैं जब घर से निकला तब स्त्री ने मुझे रोका और रोककर कहा, जय जय
इस संसार में दूसरा कोई युग नहीं। हे भाती, मैं इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्म तिरस्कृत्या ना पेटो ना पिशाचो